उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर खास सरदार अली पुत्र बारिस अली के घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। कमरे के पीछे से चोरों ने नकाब लगाकर 3 जोड़ी चांदी की पायल, 1 सोने का हार, 2 मंगलसूत्र, 3 जोड़ी झुमकी, 1,30,000 नकदी चोर चुरा ले गए। सत्तार की पत्नी ताहिरा ने बताया कि बेटी खुशनुमा की 15 नवंबर को शादी होनी थी, उसके लिए जेवरात बनवाए थे और बहू के भी जेवरात चोर चुरा ले गए। सत्तार कायमगंज में ट्रक मैकेनिक का काम करते हैं और उसी से अपने घर का गुजारा चलाते हैं। सत्तार के 3 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं। 1 पुत्र की शादी हो चुकी है, जबकि अभी 3 पुत्री वधू पुत्र अभी शादी के लिए हैं। पुत्री खुशनुमा की शादी अलीगढ़ में तय हो चुकी है। पुत्री खुशनुमा की शादी नवंबर में होनी है, उसी के तैयारियों में उनके पिता सत्तार लगे हुए थे। उसके लिए धन व जेवर बनवा रखा था, लेकिन चोरों ने इनके घर से सभी प्रकार के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। जब कुछ ग्रामीण सोच के लिए निकले तो उन्होंने देखा, इसकी सूचना सत्तार को दी। सूचना पुलिस को मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया, कुछ सामान पीछे खेतों में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल की। मौके पर SHO दिग्विजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। तारा, क्या घटना हो गई? अब सब चोरी हो गई, घर में हर चीज, सबको कुछ था, सब कुछ चला गया, हम लोग सोते रह गए। अच्छा, कितना क्या क्या ले गए चोर? चोर का बहू की चीज़ थी और हमारी भी थी, इधर से चली और बिटिया की भी बनवाई थी वो चीज़। 9 नवंबर में, 15 नवंबर में शादी ठहरी, अभी लाइट बनवाई बिटिया। अच्छा, बेटी की शादी, किस बेटी की शादी है? खुशनुमा। कब शादी है? 15 तारीख। अच्छा, क्या क्या चोर ले गए हैं? कैश भी था? हाँ, 1 लाख रुपया था। अच्छा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।